श्री राम दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एकादशी, जो फरवरी माह में माघ कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ने वाली है, तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। और एकादशी व्रत कैसे रहते हैं, किस तारीख को है, 6 तारीख को है या 7 तारीख को है, इसके बारे में भी आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। तो अगर आप देखिए नए हों तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर देखिए हमारे इस चैनल पे ब्लॉगिंग वीडियो भी शूट होगा, आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पूजा पाठ से भी संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन ऑल ज़रूर करिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि एकादशी किस तारीख को है, पर उसके पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। देखिए, मेरा नाम अंश मिश्रा है, ठीक, और मैं हमेशा जो है आप लोगों को ब्लॉग वीडियो शूट करता था, पर अब मेरे चैनल पे इसमें थोड़ा धार्मिक तीज त्योहारों के बारे में भी, आपको व्रत के बारे में भी जानकारी देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो इस बार एकादशी पड़ रहा है वो माघ कृष्ण पक्ष में 6 तारीख को, ठीक, दिन मंगलवार को पड़ रहा है। उस दिन आप लोग व्रत रह सकते हैं, और जो एकादशी के व्रत रहते हैं वो इसी दिन व्रत रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप एकादशी का व्रत रहते हैं तो आप एकादशी के व्रत के एक दिन पहले चावल न खाएं, और क्योंकि चावल एक तरह से बहुत दूषित माना गया है, और जिनके घर में अगर व्रत रह एक कोई परिवार का एक सदस्य भी रहता है तो उस घर में चावल बनना ही नहीं चाहिए। खाने में उस दिन चावल ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे बहुत ज़्यादा उसमें लक्ष्मी की हानि होती है। और इस बार एकादशी का नाम है सततीला एकादशी। तो चलिए, आई होप कि आपको यह जानकारी पसंद आया होगा, और अगर जानकारी पसंद आया है तो फिर आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जिनको ना पता हो कि एकादशी किस तारीख को है, अपने मित्रों के साथ। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।